तो आज के इस वीडियो में हम मैकॉन की अगार की कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे। हमने पहले न्यूट्रिएंट अगार की कॉम्पोजिशन, उसका पर्पस वगैरह डिस्कस किया था, तो आज मैकॉन की अगार हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके प्रिंसिपल क्या है और दीगर चीज़ें हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने साइट खोल ली है, थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ। अच्छा, मैकॉन की अगार यूज़ किस लिए होता है कि ये एक सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया है जो कि आइसोलेशन और डिफरेंशिएशन करता है नॉन फास्टिडियस ग्राम नेगेटिव रॉड्स, पार्टिकुलरली जो इसके मेंबर्स होते हैं फैमिली एंटेरोबैक्टेरियस, ये की जीनस सुडोमोनास। ठीक है, और हम इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि मैकॉन के अगार की कॉम्पोजिशन क्या है। पेप्टोन, पेनक्रिएटिक डाइजेस्टर जेलेटिन 17 ग्राम, प्रोटीओज पेप्टोन मीडल केजीन 3 ग्राम, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 10 ग्राम, बाइल सॉल्ट 1.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम। वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ एंड यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन न्यूट्रिएंट अगार आल्सो, के न्यूट्रिएंट अगार में NaCl का फंक्शन जो है वो क्या है। अगर आपने न्यूट्रिएंट अगार की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट अगार में ये सब क्या फंक्शन है इन सब का। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल रेड क्रिस्टल वायलेट 0.001 ग्राम, अगार एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट 13.5 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर एड टू मेक 1 लीटर एंड द फाइनल pH इज 7.1 to 0.2 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, हम देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल, मैकॉन की अगार का प्रिंसिपल क्या है। मैकॉन की अगार इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया। अच्छा, मैकॉन की अगार ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए यूज होता है और एज अ डिफरेंशियल मीडियम भी है फॉर लॉन लैक्टोज फर्मेंटर एंड लैक्टोज फर्मेंटर। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंशिएट करता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। पेनक्रियाटिक डाइजेस्ट जो है जेलेटिन या पेप्टोन्स जो हैं ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, नाइट्रोजन फैक्टर्स जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। लैक्टोज मोनोहाइड्रेट जो है इधर फर्मेंटेबल सोर्स है कार्बोहाइड्रेट की, फर्मेंट होगा तो पिंक कलर देगी और अगर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होंगे तो कलरलेस कॉलोनी शो करेंगे। ठीक है, द सिलेक्टिव एक्सचेंज जो है इस मीडियम का वो क्रिस्टल वॉयलेट और बाइल सॉल्ट से आता है जो कि इनहिबिटरी हैं फॉर दोज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए यूज़ किया गया है। न्यूट्रल रेड एज अ pH इंडिकेटर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि रेड हो जाता है जब pH बिलो 6.8 होती है और कलरलेस रहता है जो कि pH अगर 6.8 से भी बढ़ जाए। एगार एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इसमें यूज़ होता है। अच्छा, हम इसके यूजेस देख लेंगे कि मैकॉन की अगार के यूजेस क्या क्या हैं इधर। ठीक है, मैकॉन की अगार यूज़ करता है हम फॉर द आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सेकेंड है, इट इज़ यूज इन द डिफरेंशिएशन ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग फ्रॉम लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कॉलोनी शो करते हैं, पिंक कलर शो करते हैं क्योंकि वो लैक्टोज को फर्मेंट कर देते हैं और एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस वजह से कलर जो होता है पिंक आ जाता है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जो है वो कलरलेस कॉलोनी देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ कॉलीफॉर्म्स एंड इंटेस्टिनल पैथोजेंस इन वाटर, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। प्रिपरेशन देख लेंगे मैकॉन की अगार की। चलें सबसे पहले हम इसके रिजल्ट
और इंटरप्रिटेशंस देख लेते हैं मैकॉन के एगार के क्या क्या हैं। ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटिंग स्ट्रेन्स ग्रो एज रेड और पिंक एंड मे बी सराउंडेड बाय अ ज़ोन ऑफ एसिड प्रेसिपिटेटेड बाय द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिड फ्रॉम लैक्टोज। देखो मैंने जैसे कि पहली बात की थी कि लैक्टोज फर्मेंट होगा तो एसिड प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से रेड कलर आएगा आपकी प्लेट पर, और जो है ये एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रल रेड और सब्सिक्वेंट कलर चेंज होते डाई व्हेन द पीएच ऑफ मीडियम फॉल्स बिलो 6.8। अच्छा, कलर जो चेंज होगा वो पीएच की भी जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पीएच जो है फॉल हो जाएगी बिलो 6.8, तो इसकी वजह से ये चेंज भी हो सकता है। न्यूट्रल रेड एज एन इंडिकेटर भी है तो इस वजह से भी चेंजिंग आ सकती है। लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग कॉलोनीज जैसे कि शिजेला और साल्मोनेला हैं वो कलरलेस होती हैं, यानी कि कलरलेस कॉलोनी शो करती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं, और टिपिकली ये कोई मतलब कि अपनी अपेरेंट शो नहीं करती हैं इस तरीके से, और कोई अपेरेंट शो तो करती हैं लेकिन इनकी कोई ऑल्टरेंस नहीं होती। ठीक है, और जैसे कि यर्सिनिया एंटेरो को लेटिका है, जैसे कि ये अपेयर होती है एज स्मॉल नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज आफ्टर इनक्यूबेशन एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, हम इधर डिफरेंट कॉलोनी मॉर्फोलॉजी मैकॉन की एगार पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि चेरेशिया कोलाई है उसकी बिल्कुल पिंक कॉलोनीज है, लेकिन पिन पॉइंटेड कॉलोनीज है इनकी। एंटेरोबैक्टर एरोजीन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज देख लें पिंक है, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज कलरलेस हैं एज अ डिफरेंशियल एजेंट, एज अ डिफरेंशियल मीडियम एंड एज अ सिलेक्टिव मीडियम फॉर ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया। हम मैकॉन के एगार को यूज़ करते हैं और एज अ डिफरेंशियल मीडियम फॉर एंटेरिक बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग हम इसको एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। तो इसमें मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मौजूद हैं, इधर कलर्स मौजूद हैं, उनके रिमार्क्स मौजूद हैं कि इनकी मॉर्फोलॉजी किस तरीके से है। एस्चेरेशिया कोलाई की जो कलर है वो रेड पिंक है। ठीक है, यहाँ पे एस्चेरेशिया कोलाई का कलर जो है वो रेड पिंक है, और इसके जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है वो नॉन म्यूकॉइड है। एरोबैक्टर एरोजीन्स की पिंक कलर्ड है और इसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी म्यूकॉइड है। एंटेरोकोकस स्पीशीज कलर रेड शो करते हैं और इनकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी जो है माइन्यूट और राउंड शेप है। स्टैफलोकोकस स्पीशीज जो है पेल पिंक कलर शो करते हैं, इनकी जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है वो ओपैक है। सुडोमोनास इरोजिनोसा ग्रीन ब्राउन कलर शो करते हैं और इनकी कॉलोनी जो है फ्लोरोसेंट ग्रोथ शो करती है। सुडोमोनास इरोजिनोसा ग्रीन ब्राउन पिगमेंटेशन जो है उनमें खास जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं ग्रीन ब्राउन ब्लू ग्रीन, तो सुडोमोनास इरोजिनोसा जो है अपने पिगमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये फौरी आप इसके एज अ इंडिकेटर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी मैकॉन के एगार पे, जिसमें हमने उसकी कॉम्पोजिशन, उसका प्रिंसिपल, यूजेस, की प्रिपरेशन और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया। होप यू लाइक द वीडियो।